Hello guys, I Ashish from LU Update. Now I'm here with my next video on microeconomics. In this video, we will do a 25 most important MCQs. So please watch full video. This video will be a very beneficial and fruitful for you all. Okay. And one more thing, if you are new to our channel, please subscribe our channel for all the latest new video notifications. And one. Our channel introduces a new website, so if you want PDF and all the study material, please visit our website. Links are given in the description box. Okay, so let's start the video. First question is, demand for a commodity refers to. Basically, demand for a commodity का मतलब क्या होता है? Basically, demand for a commodity refers to the that amount of a commodity that a consumers are willing to buy and able to purchase at a particular prices during a particular period of a time में. देखिए, एक कंज्यूमर पहले एक उसकी विलिंग होती है, एक इच्छा होती है कि वो गुड्स को खरीदे, और वो एबल भी होता है, वो उस लायक भी होता है कि वो उस गुड्स को खरीद सकता है जिस प्राइसेस में वो गुड्स हैं एट दैट टाइम पे ही. सो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी. सो आंसर विल बी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइसेस ड्यूरिंग एनी सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड एज अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी. ओके, सो आंसर विल बी डी. Then there is a next question. For what types of goods does demand fall with the rise in the income level of the household? Basically, उन goods को हम लोग inferior goods बोलते हैं. Basically, inferior goods में क्या होता है कि जो demand होती है वो धीरे धीरे कम होती है, fall होती है जैसे जैसे consumer की income बढ़ती है. जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, maize हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गए, ये सारे inferior goods के examples हैं. जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या करता है, वो स्विच ऑन कर जाता है फ्रॉम दीज गुड्स टू दी बेस्ट गुड्स की ओर. जैसे कि आप वीट ले लीजिए, वो ज्वार बाजरा इन सबको छोड़ के वो किस चीज़ की डिमांड करने लगता है, वो वीट की डिमांड करने लगता है, बेटर क्वालिटी की डिमांड करने लगता है. ओके, सो क्या होता है कि इन गुड्स की क्या होती है, डिमांड धीरे धीरे कम होती रहती है. ओके, सो आंसर विल बी ए, इंफीरियर गुड्स. Then there is a next question. Movement along the same demand curve shows. Basically, जो movement होता है same demand curve का, वो show करता है extension and contraction of a demand. Basically, extension क्या होता है? Extension तब होता है जब आपके जो जो आपकी demand है, quantity commodity की जो demand है वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है. जब क्या होते हैं, आपके जो goods के जो prices होते हैं वो धीरे धीरे जब कम हो रहे होते हैं, और जो other things होते हैं वो remains constant रहते हैं. Other things में जैसे आपका आ गया income आ गया, substitute goods आ गए, complementary गुड्स आगे, एक्सपेक्टेशंस इन द राइज इन द फ्यूचर में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी कंस्टेंट रहती हैं. ओके, और ये सारी चीज़ें कंस्टेंट रहती हैं, और आपकी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो धीरे धीरे राइज करती है जब आपके प्राइजेस कम हो रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ अ डिमांड. एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डिमांड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डिमांड इसका अपोजिट है. क्या होती है? जो आपकी क्वांटिटी डिमांड होती है वो फॉल हो रही होती है जैसे 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 क्या होते हैं, प्राइजेस उस कमोडिटी के बढ़ते हैं. और तो क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे कंज्यूमर क्यों डिमांड करेंगे, ज़्यादा प्राइस तो पे नहीं करेंगे. सो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डिमांड. सो आंसर विल बी सी, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ द हॉट डॉग्स इंक्रीजेस बाय 25% एंड द क्वांटिटी डिमांड फॉल्स बाय द 25%. दिस इंडिकेट दैट डिमांड फॉर अ हॉट डॉग इज इलास्टिक. बेसिकली इलास्टिक वो सिचुएशन है जब क्या होता है कि आपके प्राइजेस थोड़े बहुत भी बढ़ते हैं तो आपकी जो डिमांड होती है कमोडिटी, जो डिमांड होती है उस कमोडिटी की, वो फॉल कर जाती है. क्योंकि बेसिकली इतने नेसेसरी नहीं होते हैं कि हम लोग को वो खाने ही खाना है. ओके, सो इसलिए इसको इलास्टिक हम लोग इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. जैसे उसके प्राइजेस बढ़ेंगे जो हम लोग के नेसेसिटी में नहीं है. बेसिकली जो नेसेसिटी में है वो, तो उसके अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम लोग को तो ज़रूरी है, हम लोग की नेसेसिटी है, तो उसको तो हम लोग उसकी डिमांड नहीं फॉलो होती, उसकी डिमांड राइज होती, मतलब उसकी डिमांड रहती है मार्केट में. लेकिन जो नेसेसिटी नहीं है गुड्स, उनकी क्या होती है, अगर प्राइसेस हल्के फुल्के भी बढ़ गए तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम फॉल होने लगती है. ओके, सो इज कॉल्ड एज अ इलास्टिक डिमांड. ओके,
So answer will be A. Then there is a next question. The price elasticity of a demand measure. Basically price elasticity of a demand measure karti hai responsiveness of the quantity demanded. जो भी changes in the quantity, percentage change in the quantity demanded to the percentage change in the prices. Okay? So price elasticity क्या करती है? जो भी changes in the quantity demanded में आएंगे, जो changes price में आएंगे, उसको हम लोग basically price elasticity of a demand बोलते हैं. Okay? So answer will be C. Then there is a next question. An increase in the demand can result from. अगर कंज्यूमर अपने डिमांड्स को बढ़ा रहा है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तो उसका मतलब क्या, ये शो क्या करती है, रिजल्ट किसका रिजल्ट होता है. ये रिजल्ट बेसिकली तब होता है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही होगी, कंज्यूमर की इनकम अच्छी होगी, बढ़ रही होगी, तो क्या करेगा, वो अपनी डिमांड भी बढ़ाएगा, नए नए गुड्स को खरीदने की कोशिश करेगा, न्यू न्यू चीज़ों को लेगा. सो जो डिमांड कब इंक्रीज होती है, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है. ओके, एंड इंक्रीज इन द डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन द इनकम. सो आंसर विल बी बी. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व्स डिपेंड ऑन द. जो स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व है वो किस पे डिपेंड होता है. बेसिकली जो आपको पता है, जो डिमांड कर्व होता है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड की ओर स्लोप करता है. ओके, सो इट बेसिकली बेस्ड ऑन द यूनिट यूज टू मेजर द प्राइस एंड द यूनिट यूज टू मेजर द क्वांटिटी. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होती है, जब वो प्राइस और क्वांटिटी का होता है. ओके, सो द आंसर, सो आंसर विल बी, आपको मैं अभी करके दिखाती हूँ इसका डिमांड एंड स्लोप का. देखिए बेसिकली ये होता है आपका प्राइस. ओके, और ये आपकी होती है क्वांटिटी. ओके, मार्कर चल नहीं रहा, ये आपकी क्वांटिटी होती है. और इसका जो स्लोप होता है वो आपको पता है डिमांड का, ऐसे स्लोप होता है. ठीक है, आपके जैसे जैसे ये प्राइस है तो आपकी क्वांटिटी इतनी है. ओके, आपकी क्वांटिटी इतनी है, और जब आपके प्राइजेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. आप देखिए है ना, आपके जब प्राइस कम होंगे, जैसे प्राइस पहले ये था प्राइस, अब ये हो गया है प्राइस, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो देखिए इंक्रीज कर रही है. ओके, सो ये शो करता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. किस पे बेसिकली डिपेंड होता है, ये प्राइस पे डिपेंड होता है और क्वांटिटी पे बेसिकली ये डिपेंड होता है. ओके, सो आंसर विल बी बी. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड डिपेंड्स ऑन. ओ सेम क्वेश्चन हो गया. बेसिकली ये उसी पे डिपेंड करता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड का कौन सा वन अजम्पशन है. बेसिकली प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होने चाहिए वो शुड नॉट चेंज. ये बेसिकली इसका प्राइस लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, एक फंक्शन, एक अजम्पशन है. इसमें बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम होनी चाहिए वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, जो टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, और जो प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स, वही सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होने चाहिए, वो चेंज ऑन नहीं होने चाहिए. सो दिस इज द अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. Price of the substitute good should not change. Okay, so answer will be C. Then there is a next question. Who gives the cardinal concept of utility? Basically, cardinal concept of the utility जो है वो Marshall के ने proposed की थी, Marshall के द्वारा मतलब introduce करी गई थी. Okay, so answer will be A, Marshall. Then there is a next question, 11th question. Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. देखिए यूटिलिटी मतलब क्या होता है, वांट सैटिस्फाइंग पावर. वांट की सैटिस्फाइंग पावर को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं. ये सही है स्टेटमेंट. यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ अ इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर. यूटिलिटी बेसिकली किसका फंक्शन है, आपकी कितनी इंटेंसिटी है, कितनी डिज़ायर है उस गुड्स को पाने की.
तो उसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं. ओके, अ डिज़ायर ऑफ अ कंजम्पशन गिव्स बर्थ टू द यूटिलिटी. जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है, डिज़ायर ऑफ द कंजम्पशन जो होता है आपका, कि ये कंजम्पशन आपको करना है, वो क्या करती है, वो किसको जन्म देती है, वो यूटिलिटी को बेसिकली क्या करती है, गिव्स बर्थ. ओके, सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके, सो आंसर विल बी डी, ऑल दी, ऑल ऑफ दीज. ओके, देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. When do you become maximum, total utility, become maximum major utility is. Basically देखिए इसका आप ग्राफ देखिए, एक ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है. देखिए क्या होता है, जब total utility बढ़ रही, ऐसे करके ऐसे यू शेप पे कर्व होता है, और major utility का ऐसे होता है. सो देखिए क्या होता है, इसका ये कहना होता है कि जब टोटल यूटिलिटी जब बढ़ रही होती है, तो मैक्स जो माजर यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे देखिए कम हो रही होती है. जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे रीच कर जाती है, तो जो माजर यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव ज़ीरो हो जाती है. और जब टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज की ओर आती है देखिए, तो माजर यूटिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है. सो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम, जो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है यहाँ पे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाती है, तो माजर यूटिलिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. ओके, सो आंसर विल बी सी, ज़ीरो. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इनमें से कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट. टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टिल एम यू इज पॉजिटिव. हाँ, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो एम यू जो है, माजर यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है, बट वो पॉजिटिव वे में डिक्रीज कर रहा है. ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है. टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो. देखिए टोटल यूटिलिटी जब अपने मैक्सिमम पे पहुंची है, तो माजर यूटिलिटी क्या हो रही है, वो ज़ीरो हो गई है. सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. और तीसरा स्टेटमेंट लिखा है कि टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस. टोटल यूटिलिटी क्या है, वो धीरे धीरे देखिए कम हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, तो क्या हो रहा है, माजर यूटिलिटी क्या हो रही है, वो नेगेटिव हो रही है. सो इसमें से कौन से सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं. ओके, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. ओके, देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉ ऑफ इक्वी माजर यूटिलिटी, जो आपका लॉ ऑफ इक्वी माजर यूटिलिटी है, वो बेसिकली आपको क्या स्टेट, मतलब उसको हम लोग बेसिकली और क्या बोलते हैं, उसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं. बेसिकली लॉ ऑफ इक्वी माजर यूटिलिटी में क्या होता है कि हम लोग उसको वो यूटिलिटी, देखिए हम आपको डेफिनेशन पहले पढ़ के बताते हैं कि माजर यूटिलिटी, द लॉ ऑफ इक्वी माजर यूटिलिटी रिफर्स टू द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग द कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज इनकम अमंग वेरियस कमोडिटी इन सच अ वे दैट द लास्ट यूनिट ऑफ अ मनी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी गिव्स इक्वल मार्जिनिटी. मतलब आपके पास इनकम है, आप डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ में उसको क्या करें, एलोकेट करें, और जो आपका हर मनी को स्पेंड इस तरह से हर कमोडिटी में करें कि वो आपको इक्वल माजर यूटिलिटी आपको दे, ठीक है. उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी माजर यूटिलिटी. इसकी कंडीशन होती है एम यू ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू द एम यू ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ द वाई कमोडिटी इज इक्वल्स टू द माजर यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ द मनी. मतलब आपने डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कमोडिटी में क्या किया, आपने जो आपकी इनकम थी कंज्यूमर को, उसने डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ में एलोकेट किया उसको, और उससे क्या हो रहा है, उसको इक्वल माजर यूटिलिटी उसको मिल रही है उसको उससे. ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको अदर नेम से भी हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट. ओके, सो आंसर विल बी सी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट. Then there is a next question. The addition of the utility obtained from all the units of the goods. Basically, additional unit of the commodity का क्या होता है कि आप कोई भी additional unit, मतलब आप additional utility obtained कर रहे हैं from the all the units of the goods में, is called as a major utility. Major utility का मतलब ही होता है कि add-on. ओके, सो आंसर विल बी ए, माजर यूटिलिटी. देन देयर इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक एट द पॉइंट वेयर. देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली वहाँ पे होता है जहाँ पे माजर यूटिलिटी जो होती है वो इक्वल्स टू द प्राइस के इक्वल होती है. ओके, इन द केस ऑफ वन कमोडिटी मॉडल में. ओके, मतलब कंज्यूमर जो होता है इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही परचेजेस दैट मच ऑफ द कमोडिटी वेयर द माजर यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इक्वल्स टू इट्स प्राइस. वो इतना, मतलब
अपने पैसे को इनकम को खर्च करता है, वो सारी कमोडिटीज़ को परचेस करता है जो जो उसकी विलिंग होती है, जो जो उसकी इच्छा होती है, जहाँ पे वो क्या करता है मार्जिन यूटिलिटीज़ की, जो यूटिलिटी है वो प्राइस के इक्वल होती है. ओके, सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सो आंसर विल बी ए, मार्जिन यूटिलिटीज इक्वल्स टू द कंज्यूमर प्राइस. ओके, देन देयर इज अ डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स. अभी मैंने बताया ना डिमांड कर्व्स का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड की ओर होता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट वर्ड. ओके, इसमें बेसिकली डिमांड में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में ये होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है. जैसे जैसे प्राइजेस क्या होंगे कि कम होंगे, वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, या तो फिर अगर प्राइजेस बढ़ रहे होंगे तो क्वांटिटी कम हो रही होगी. इनवर्स रिलेशनशिप है. ओके, सो इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ राइज इन द कॉफी प्राइजेस द डिमांड फॉर द टी. बेसिकली अगर आपके प्राइजेस ऑफ द कॉफी के अगर बढ़ रहे हैं प्राइजेस, तो आपके जो डिमांड ऑफ द टी है वो क्या होगी. बेसिकली इन गुड्स को बोलते हैं हम लोग सब्सटीट्यूट गुड्स. सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं सेम टाइप ऑफ गुड एंड यूज इन द प्लेस ऑफ द अनदर गुड्स की प्लेस पे यूज हो सकते हैं. जैसे अगर प्राइजेस ऑफ द कॉफी की अगर बढ़ रहे होंगे तो आप क्या करेंगे कि आप प्रेफर करेंगे, आप डिमांड करने लगेंगे टी की. और जैसे एग्जांपल ले लीजिए पेप्सी एंड कोक, अगर प्राइजेस ऑफ दी पेप्सी के अगर बढ़ गए तो आप क्या प्रेफर करेंगे, कोक को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो भी सेम सेटिस्फैक्शन देगी. ओके, सो जैसे जैसे प्राइजेस ऑफ दी कॉफ़ी के बढ़ेंगे तो डिमांड फॉर अ टी क्या हो जाएगी, द डिमांड फॉर अ टी क्या होगी, बेसिकली क्या होगी, डिमांड फॉर अ टी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. ओके, आप प्रेफर करें, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सब्सटीट्यूट गुड्स में. ओके, then there is a second question, contraction in the demands appears when. basically contraction of the demand कब appear होता है, जब आपकी demand fall हो रही होती है with the rise in the prices में, जब आपके rises हो रहे होते हैं. और जो other things होती हैं जैसे income हो गया, substitute complementary goods हो गया, favorable change in the taste and the preference हो गया, taste and the change in the preference हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है कॉन्स्टेंट रहती हैं, रिमेन्स दी सेम्स रहती हैं. उस केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड तभी अपीयर होता है जब आपकी डिमांड फॉल हो रही होती है और प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं. ओके, सो आंसर विल बी ए. देन देयर इज अ फॉर अ गिवन गुड्स. बेसिकली गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज. बेसिकली गिवन गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स को बेसिकली हम लोग आर दोज इंफीरियर गुड्स होते हैं ऑन विच द कंज्यूमर जो होता है वो स्पेंड करता है लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड द डिमांड फॉर विच फॉल्स विद द फॉल इन इट्स प्राइजेस. जिसकी डिमांड क्या होती है, फॉल हो रही होती है, जैसे जैसे उसके प्राइजेस फॉल हो रहे होते हैं, वही गिवन गुड्स को हम लोग इन्फीरियर गुड्स, जैसे मेज, बाजरा, ज्वार हो गया, इन सब की क्या होती है डिमांड फॉल होती है जैसे जैसे क्या होती है प्राइजेस फॉल हो रही होती हैं. सो इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड क्या होगी, उसकी पॉजिटिव होगी. ओके, सो आंसर विल बी बी, पॉजिटिव. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप विच विथ विच मैथड इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज मेजर. बेसिकली मैथड ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड किससे मेजर होती है, टोटल एक्सपेंडिचर मैथड भी से भी मेजर होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड से भी और पॉइंट मेथड से भी. इन तीनों मेथड से क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड क्या होती है, मेजर होती है. सो आंसर विल बी ऑल द अबव. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ इनडिफरेंट कर्व. बेसिकली इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनडिफरेंट कर्व को क्या करती है, रिप्रेजेंट नहीं करती है. फर्स्ट क्या लिखा है आपका, लिखा है कि हायर द इनइलास्टिसिटी कर्व हायर द लेवल ऑफ अ सैटिस्फैक्शन आपको देती है. ये तो बिल्कुल सही है प्रॉपर्टी, इसकी ये प्रॉपर्टी इनडिफरेंस कर्व की होती है. ओके, देन देयर इज अ सेकेंड, इनडिफरेंस कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड. बेसिकली इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो स्लोप डाउनवर्ड करता है, ये भी सही है स्टेटमेंट. देन देयर इज अ थर्ड स्टेटमेंट, इनडिफरेंस कर्व इज कौन केव टू दी ओरिजिन. बेसिकली इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो कॉन्केव नहीं होता है, कॉन्वेक्स होता है. ओके, सो दिस स्टेटमेंट, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट. ओके, सो ये क्या है, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि कॉन्वेक्स नहीं होता है, कॉन्केव होता है टू इट्स ओरिजिन. ओके,
Then there is a next question. The slope interference curves is equal to, basically जो slope of a interference curve होता है वो किसके equal होता है, वो basically marginal rate of a substitution के equal होता है. basically marginal rate of substitution MRS उस रेट को बोलते हैं जिसपे क्या होता है कि कंज्यूमर्स आर विलिंग, कंज्यूमर मतलब इच्छा करता है टू सब्स्टिट्यूट वन गुड्स फॉर द अनदर गुड विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन का लेवल, विदाउट उसको बिना चेंज किए वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है एक गुड्स से टू द अनदर गुड्स पे. ओके, सो उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. सो इंडिफरेंस कर्व्स क्या होता है, इक्वल्स टू द मार्जिनल रेट ऑफ substitution. Okay, so answer will be C. Then there is a next question. Where is the indifference curves concave to its origin? Abhi maine bataya convex to its origin. Sorry, ye kya hota hai, indifference kya hota hai, indifference curve kya hota hai, convex to its origin hota hai due to the continued decline of the marginal rate of substitution. इसमें क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा होता है, इसलिए क्या होता है वो जो कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व का वो क्या हो जाता है आपका कॉन्वेक्स हो जाता है टू इट्स ओरिजिन में. ओके, सो आंसर विल बी ए. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिफरेंस मैप हाई एसी इंडिकेट, जो इंडिफरेंस कर्व मैप में एसी जो आईसी होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है आपका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जितना ज़्यादा आपके इंडिफरेंस कर्व का हाई होगा उतने ज़्यादा आपकी क्या होगी जो सेटिस्फैक्शन की जो पावर सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा. ओके, सो आंसर विल बी बी, हायर level of satisfaction. Then there is a next question. Two indifference curves cannot cut each other. देखिए दो indifference curve जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं, बेसिकली इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो अभी मैंने बताया ना इंडिफरेंस कर्व क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ मतलब इनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं. इसलिए क्या होता है कि जो दो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं. ओके, सो आंसर विल बी ईच इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बेसिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो आंसर विल बी सी. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड इंडिफरेंस कर्व्स इज रिलेटेड टू, बेसिकली इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कंज्यूमर इनकम से ही रिलेटेड होता है. ओके, then there is a answer will be C. then there is a next question. The law that defines the demand curve to slope downward is known as, जो demand curve के जो slope होता है वो downward की ओर नीचे की ओर क्यों होता है, basically ये नीचे की ओर इसलिए होता है diminishing marginal utility. जैसे जैसे आपका जो diminishing marginal utility मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी जो want of satisfaction जो आपकी utility है वो जैसे जैसे आपकी satisfy होती रहेगी वैसे वैसे उस चीज़ की क्या होगी डिमांड जो होगी बेसिकली क्या होगी वो कम होती रहेगी. ओके, सो उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. ओके, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बताया ना कि कंज्यूमर की जो जब आपको किसी चीज़ की वांट है कि आपको कमोडिटी खाना है तो उसकी जो यूटिलिटी होती है वो बेसिकली इंक्रीज कर रही होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसका कंजम्पशन करते हैं तो वो क्या होती है कंज्यूमर की जो यूटिलिटी होती है वो गोज डिमिनिश होने लगती है धीरे धीरे. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको भूख है तो आपको जब भूख है तो आप 3-4 रोटी खा जाएंगे, लेकिन आप 3-4 रोटी खाने के बाद आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम हो जाएगी, मतलब शांत हो जाएगी. फिर धीरे धीरे अगर आप 5वीं रोटी खाएंगे तो वो क्या करेगी, वो उतनी यूटिलिटी आपको नहीं देगी. ओके, सो उसी को हम लोग डिमांड कर्व किसके ऊपर स्लोप होता है, वो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के ऊपर. ओके, सो आंसर विल बी ए. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन. इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन बिकॉज, कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि जो टू गुड्स होते हैं वो इनपरफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं, वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते, वो इंडिफरेंट होते हैं. इसलिए क्या होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन होता है. ओके, सो आंसर विल बी बी. ओके, थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द थंब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट फॉर टू डाउनलोड अ फ्री PDF एंड ऑल द स्टडी मटीरियल. ओके, थैंक यू.